और कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश का यह मामला है, जिसमें संदिग्ध ने ट्रेन उड़ाने का डबल प्लान बनाया था। यह बड़ा खुलासा हुआ है और धमाके की चपेट में आई कई बोगियां। ऐसा प्लान था, यानी ये प्लान किया गया था कि धमाका हो और कई बोगियां उसकी चपेट में आए। आईएएस के खुरासान मॉड्यूल पे ट्रेन डिरेल करने का शक है। जांच एजेंसियों को आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल पर शक है। फिलहाल एजेंसियों को अहम सुराग नहीं मिला, लेकिन जांच हर दिशा में की जा रही। तो एनआईए की 5 सदस्यीय टीम और एटीएस इस मामले की जांच कर रही है। रेलवे के बरेली डिवीजन के इंजीनियर ने तहरीर दी है। तहरीर पे शिवराजपुर थाने में अज्ञात की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2 हिस्ट्री शीटर समेत 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और वर्षा इस पे ज्यादा जानकारी देंगी। वर्षा, इस मामले से जुड़ी अभी क्या अपडेट है? चूंकि कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया, कुछ से पूछताछ की जा रही है, कोई खुलासा, कोई बयान, कोई जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, जिस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई, आईएसआई के खुरासान मॉडल के अनुसार बताया जा रहा है कि ये पूरी कोशिश की गई थी कि ट्रेन के सामने सिलेंडर रखा जाए, सिलेंडर से जब ट्रेन टकराएगी तो ब्लास्ट होगा और ट्रेन जांच पड़ताल की जा रही है। एटीएस की टीमें लगी हुई है, एनआईए की टीमें लगी, लगभग 6 टीमें लगाई गई है पूरे जांच प्रक्रिया के लिए। लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई है, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके साथ ही साथ उन और लोगों से पूछताछ की जा रही है, जैसे किसी गैस एजेंसी के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। किसी को डिरेल करने का पूरा मामला है, उसमें सिलेंडर रखा गया था ट्रैक पर, तो इतनी सारी चीजें भी देखी जा रही है कि आखिर कहां से वो गैस सिलेंडर आया, किस तरह से वहां पर डिरेल करने की कोशिश की गई, ट्रैक पर रखा गया सिलेंडर। और जिस तरह से लगातार जांच पड़ताल की जा रही है एनआईए और एटीएस की तरफ से, तो ये साफ कहा गया है कि लगातार पूछताछ की जा रही है। 120 सीसीटीवी फुटेज भी संभाले जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि किस तरह से क्या क्या चीजें निकल कर आती है, क्योंकि लगातार डिरेल करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। तो ये सामने साफ हो चुका है कि कानपुर में जिस तरह का ये मामला आया है, उसमें अब एटीएस से लेकर एनआईए की टीम छापेमारी करेगी और लगातार पूछताछ करेगी छापेमारी करेगी और लगातार पूछताछ करेगी कि किस तरह से ये कोशिश की गई और कितने लोगों के होने का आशंका जताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वर्षा इस तमाम जानकारी के लिए।